आज मैं वाच की शॉर्टकट आपको बताने जा रहा हूं। देखिए, कभी भी वाच अर्थात हिंदी व्याकरण को अंग्रेजी ग्रामर के साथ मिलाने का प्रयास ना करिए। अंग्रेजी व्याकरण या इंग्लिश ग्रामर में आपके वॉयस दो तरह के होते हैं, एक्टिव और पैसिव। लेकिन अगर आप हिंदी व्याकरण की बात करें तो हिंदी व्याकरण में वाच तीन तरह के होते हैं। तो यदि आप उसकी तुलना या उसको बनाने का प्रयास अंग्रेजी के आधार पर करेंगे तो आपको नुकसान हो सकता है, इसलिए इसे आप सीधे तरीके से पढ़ने का प्रयास करेंगे। और आज मैं एक ऐसा शॉर्टकट आपको बता दे रहा हूं कि आने वाले समय में वाच पहचानने में आपको किसी प्रकार की कमी नहीं रहेगी। चलिए तो फिर शुरू करते हैं। अमूमन एक वाक्य अगर आप लेते हैं तो वाक्य के दो घटक जरूर रहते हैं, वाक्य में कर्ता, कर्म और क्रिया। कई बार कर्ता और क्रिया दो घटक रहते हैं या फिर कर्ता, कर्म, क्रिया तीनों घटक रहते हैं। इस आधार पर देखिए, मैंने यहाँ आपको दिखाया है, सबसे पहले मैंने कर्ता लिखा है। कर्ता का मतलब जो व्यक्ति काम कर रहा है, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ तो मैं कर्ता हो गया, आप खा रहे हैं तो खाने वाला काम, जो भी काम किया जा रहा है। तो कर्ता से जो वाक्य बनता है उसे कर्त्री कहते हैं, उसका उच्चारण करें कर्त्री, मतलब त के नीचे भी र और ऊपर भी र, या फिर त के ऊपर और नीचे सी बना दीजिए। इसके बाद आता है कर्मवाच्य। कर्मवाच्य का मतलब होता है कि उसमें कर्म रहेगा ही रहेगा, केवल कर्ता पर आधारित नहीं रहेगा। और तीसरा आता है भाववाच्य, कर्ता, कर्त्री, कर्मवाच्य और भाववाच्य। अब इनकी संरचना कैसे होती है, देखिए होता क्या है कि कोई भी क्रिया, अगर आप क्रिया लेते हैं बिना क्रिया और कर्ता के या कर्म और कर्ता क्रिया के कोई वाक्य बनता नहीं है। तो यदि क्रिया का प्रभाव अर्थात क्रिया कर्ता के लिंग, वचन और कारक के अनुसार चले, लिंग, वचन और कारक, अगर क्रिया में परिवर्तन कर्ता के लिंग, वचन और कारक के अनुसार होता है तो उसे हम मानेंगे कर्तृवाच्य। जैसे उदाहरण के लिए राम पढ़ता है, ये जो वाक्य है राम पढ़ता है, इसमें कर्ता कौन है, राम मतलब काम कर रहा है, पढ़ना क्या है, पढ़ जो है धातु बोलते हैं इसे, पढ़ जो है या धातु, या फिर आप अंग्रेजी में पढ़ते हैं तो रूट वर्ड होता है, क्रिया का रूट वर्ड है, और इसमें ना या ता जोड़ दिया जाता है, और तो हो गया राम पढ़ता है। इसमें कौन पढ़ता है, राम, अर्थात राम क्या है, राम पुरुष है, पुलिंग है, इसलिए इसकी क्रिया पढ़ता पुलिंग आकार में हो रही है। लेकिन अगर हम यही इसमें बदलाव कर देंगे, हम राम के जगह कर दें सीता, तो ये पढ़ना क्या हो जाएगा, पढ़ती है, अर्थात ये कर्ता के आधार पर क्रिया के रूप में परिवर्तन हो गया। यहां आप कोई भी नाम रख के देख लीजिए, तो अगर क्रिया के रूप में परिवर्तन होता है, अब जैसे मान लीजिए राम पढ़ता है पुलिंग हो गया, सीता पढ़ती स्त्रीलिंग, लिंग मैंने कहा, अब वचन देख ले, वचन में अगर जाते हैं तो मान लीजिए राम की जगह हम कह दें लड़के, तो लड़के पढ़ते हैं, लड़कियां पढ़ती हैं। तो इस तरह का जो परिवर्तन होता है, मतलब क्रिया में कर्ता के अनुसार यदि परिवर्तन हो तो उसे हम कर्तृवाच्य की श्रेणी में रखेंगे, और यह सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है अगर आपको कर्तृवाच्य करना है। अंग्रेजी के अनुसार ना जाएं, क्योंकि अंग्रेजी में काफी भूलें हो सकती है अगर आप अंग्रेजी के आधार पर बनाने का प्रयास करें। अब आइए देखते हैं कर्मवाच्य का क्या सूत्र रहेगा। अब कर्मवाच्य देखें, देखिए कर्मवाच्य में क्या होता है कि यहां सब में, इन तीनों में क्रिया के रूप पर ही निर्भर करता है कि क्या है। अब कर्मवाच्य में जैसे कर्ता में मैंने बताया लिंग, वचन, कारक मैंने जोड़ा था, वहां पुरुष जोड़ लीजिएगा, उसी तरह कर्मवाच्य में लिंग, वचन और पुरुष, पुरुष का मतलब प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष, या फिर अंग्रेजी का लें यहां फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। तो लिंग, वचन और कारक के अनुसार, कर्म के लिंग, वचन और कारक के अनुसार यदि क्रिया में परिवर्तन हो तो आप उसे कर्मवाच्य मान सकते हैं। जैसे एक उदाहरण मैं देता हूं, राम ने रोटी खाई, ये
ये देखिए राम ने रोटी खाई, यहां राम पुलिंग है, रोटी क्या है स्त्रीलिंग है, तो पुलिंग के अनुसार राम ने रोटी खाया नहीं होगा, क्योंकि रोटी कर्म है तो कर्म के अनुसार क्रिया का रूप बदला, रोटी खाई, इसका मतलब ये कर्मवाच्य है। इसका एक और आप सूत्र जान लें कि कर्म जरूर रहेगा वाक्य में, बिना कर्म के कर्मवाच्य नहीं हो सकता। अब अगर मान लीजिए राम की जगह मैं यहां सीता कर दूं तब भी रोटी खाई ही होगा, और अगर मैं कहूं लड़के बहुवचन कर दूं तो लड़कों ने रोटी खाई, लड़के एक वचन और इसका बहुवचन लड़कों ने रोटी खाई, अर्थात कर्म के लिंग वचन और कारक के अनुसार अगर कर्ता में परिवर्तन क्रिया में परिवर्तन हो तो यह आपका कर्मवाच्य होगा। अब इसके बाद जो तीसरा प्रारूप है भाववाच्य, आइए हम उसे देखते हैं भाववाच्य क्या है। अब भाववाच्य में अगर देखें तो भाववाच्य की जो क्रिया होती है उसका प्रभाव न तो कर्ता के अनुसार बदलता है न तो कर्म के अनुसार, अर्थात भाववाच्य की क्रिया पर इनका प्रभाव नहीं पड़ता, अर्थात वह क्रिया स्वतंत्र होती है। स्वतंत्र कैसे होती है, जैसे मान लीजिए आप लिखते हैं कि लड़के ने लड़की को देखा। अब ये वाक्य आप लेते हैं तो इसमें क्या होता है, आप ध्यान दीजिए कि अगर लड़के या लड़का ये रिवर्स कर देते हैं, लड़की ने लड़के को देखा, शेर ने शेरनी को देखा, शेर ने शिकार को देखा, शिकारी ने शिकार को देखा, अर्थात ये जो देखा शब्द है, देखा शब्द अपने आप में स्वतंत्र क्रिया है, न तो कर्ता के अनुसार इसमें परिवर्तन हो रहा है न तो कर्म के अनुसार, इसलिए ऐसे जो वाक्य मिलेंगे वे भाववाच्य होंगे। अगर ये तीन सूत्र मैंने जो आपको बताया है यह सूत्र आपको याद रहा तो आपका ये वाच्य पर कम से कम 3 से 4 प्रश्न आते हैं और आप लिख सकते हैं। विशेषकर जो लोग अधिकारी की परीक्षा देने जा रहे हैं, जैसे असिस्टेंट डायरेक्टर की परीक्षा है, उसमें तो वाच पर रहता ही रहता है, क्योंकि मैंने एक प्रश्न पत्र देखा था कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का, आज से 4 साल पहले परीक्षा हुई थी, उसमें वाच पर 6 प्रश्न थे। चलिए अगले सत्र में फिर कुछ नई बात लेकर के आते हैं, अगर अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब ना किए हो तो अब कर लीजिए, क्योंकि समय कम है और परीक्षाएँ ढेरों हैं, आपको लगातार अपडेट मिलता रहेगा। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि आपके दोस्त भी आपके जैसे ही समझदार होकर अच्छी नौकरी में जाएं तो ये सत्र उनसे भी साझा करना ना भूलिएगा।